Hi, this is Simran Kaur, and you're watching me on the Filmy Charcha. हाय, दिस इज हरमन सिंह। यू आर वाचिंग द फिल्मी चर्चा। मेरा नाम राहुल है और सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शो के लिए और बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी चर्चा में। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग अस। कैसे हो सिमरन जी? आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताएं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ओके। सबसे पहले तो सवाल मैं यही पूछूंगा कि कितना एंजॉय किया आपने? टीजर देख के तो लग रहा है मतलब बहुत कमाल का टीजर, लेकिन आपने कितना एंजॉय किया? कभी आपने सोचा था कि मतलब इस तरह के शोज भी मुझे करने को मिलेंगे? सिमरन, व्हाई डोंट यू गो फर्स्ट? या डेफिनेटली, मैंने तो ऐसा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने और हम हमने मैंने और हरमन हरमन ने कितनी बार ऐसा शो में डिस्कस भी किया है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने जरूर कोई अच्छा अच्छे कर्म किए होंगे या कोई अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से हमें ये शो मिला है। क्योंकि एक ऐसा शो, मतलब ये सबका ना एक एक ड्रीम रोल है, एक ड्रीम शो है, किसी को ये भी ऐसा यू नो अपॉर्चुनिटी मिलना जहां आप जा रहे हैं, जहां आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशंस पे जा रहे हैं, आपका इतना सीनिक ब्यूटी है, आप जिन जिन प्रॉपर्टीज में रुक रहे हैं वो इतनी सुंदर जगहें हैं, और आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपका इतना अच्छा होस्ट है आपके साथ, तो ये जो एक जो हमें विजुअल ट्रीट मिली है इस शो से, और इनफैक्ट हमें ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला है, क्योंकि हर लोकेशन में कहना चाहती हूँ कि अगर हम कश्मीर गए या हम हम्पी गए, हम गोवा गए, सारे एक्सपीरियंसेस दूसरे मतलब एक दूसरे से सब अलग-अलग एक्सपीरियंसेस थे। तो ओवरऑल ये जर्नी बहुत मजेदार रही है, हमने ऐसी ऐसी चीजें की है, एटलीस्ट मैंने, जो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं लाइफ में करूंगी, लेकिन बहुत एडवेंचरस चीजें भी की है और वो करके बहुत मजा आया है और अपने आप को पुश किया है, और हरमन ने भी मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज थी मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगी, जैसे स्कीइंग था या एडवेंचर स्पोर्ट्स था, मुझे डर लगता था, बट यू नो हरमन एंड ऑल द अदर टीम मेंबर्स आल्सो, दे लाइक नो सिमरन यू कैन डू इट, करो इसको, एंड आई थिंक विद देयर हेल्प मैंने बहुत सारे मेरे डर पे कॉन्कर भी किया है और बहुत ओवरऑल मजा भी आया है इन द होल जर्नी। हरमन आप बताओ। सेम जो जो सिमरन ने बोला, डिटो, कॉपी पेस्ट। अरे बहुत यार बहुत सिमरन ने सही बोल दिया। बस मेरे मेरी तरफ से, बट आई टेल यू द वन थिंग दैट आई एड इज, सिमरन ने कहा था कि वी हैड अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। सो इफ यू आर वाचिंग द शो ना, आजकल ट्रैवल का जो कल्चर है वो बोलने की जरूरत नहीं है, बट एवरीबडी इन देयर माइंड इज लाइक काम खत्म करो और कोई नई जगह देखने जाओ। बट इसमें द ब्यूटी इज दैट इन ईच एपिसोड देयर इज अ डिफरेंट टेक्सचर, देयर इज अ डिफरेंट यू नो एक्शन दैट्स हैपनिंग। समटाइम्स इट्स अ लॉट ऑफ एडवेंचर, समटाइम्स इट्स लग्जरी, समटाइम्स इट्स लाइक अ नेचर वॉक, यू नो एंगेजिंग विद लाइक वाइल्ड एनिमल्स। तो ये एक ऐसा शो है जिसमें ऑल द ट्रैवलर्स विल फाइंड समथिंग दैट दे कनेक्ट टू। यू नो सम पीपल जस्ट लाइक गोइंग मैड इन नेचर में, उनको ट्रैकिंग करना है या यू नो साइकिल चलाना है, उनके लिए भी कुछ है। जिन लोग को सिर्फ लग्जूरियस खाना और सुंदर जगहों पे रिलैक्स करना है, उनके लिए भी कुछ है। इट्स गॉट लाइक समथिंग फॉर ईच काइंड ऑफ ट्रैवलर। दैट्स व्हाट आई रियली एंजॉयड अबाउट द शो। आप दोनों ने शूट के दौरान काफी टाइम साथ में बिताया होगा, स्वाभाविक है, वो चीज की कॉमन है, और लेकिन आप दोनों के नाम में एक चीज कॉमन है, लास्ट में एन आता है दोनों के नाम में, तो ये चीज कॉमन है, सिमिलरिटी है, लेकिन पंजाबी रियल लाइफ में क्या सिमिलरिटी नाम, है रियल लाइफ? पंजाबी नाम भी कितने होते हैं यार। पंजाब में नाम जितने होते हैं उतने में से अगर तुम ढूंढ लोगे, हरमन सिमरन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा तुम्हें। रियल लाइफ में क्या कुछ सिमिलरिटी है? सिमिलैरिटी है यार, बोथ ऑफ अस हैव लॉट्स ऑफ एम्बिशन टुवर्ड्स आर एक्टिंग करियर, आर होस्टिंग करियर। वी कनेक्टेड वेरी डीपली ऑन द फैक्ट कि हम काफी चार्ज्ड अप थे दोनों, इन टर्म्स ऑफ कि बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और पर उसमें ये है कि हर स्टेपिंग स्टोन यू मस्ट एंजॉय। और इसमें इनिशियली वी डिडंट रियली नो ईच अदर, बट वी हैड होस्टेड अ शो फॉर जी ओनली, अवार्ड शो बैक इन द डे। तो वहां पे हमारा एक अलग सा इंटरेक्शन था, वेयर आई एक्सीडेंटली वॉक्ड इनटू हर वैन थिंकिंग इट्स सम अदर सिमरन। सो वहां से लेकर यहाँ तक अब हमारी दोस्ती हो गई है, बहुत मजे आ रहे हैं। एंड ऑन द शो वी एक्चुअली डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स अबाउट ईच अदर, व्हिच वाज ग्रेट। एंड ऑल्सो यू नो दर्स अ सेंस ऑफ आपके अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग थी हम में जो बहुत ही नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी, जब भी आप
जैसे यूजली क्या होता है ना, हम लोग जैसे सीन परफॉर्म करते हैं, यहाँ तो कुछ वैसा था नहीं कि लाइनें होंगी या कोई स्क्रिप्ट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मतलब हमारे मन में आ रहा है हम वो बोल रहे थे, बट इतना अच्छा तालमेल, इतना अच्छा बॉन्ड बैठा वो समहाउ वेरी नेचुरली, कि मुझे मतलब एग्जैक्टली पता होता था कि हरमन कितना बोलेंगे, या इनको पता होता था कि मैं बोल के चुप कब होंगी या क्या कैसा होगा। तो वो इतना कहा जो कुछ कोऑर्डिनेशन था वो इतना नेचुरली अपने आप बोलते, सेट हो गया। सो आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी ऑन एंड ऑफ कैमरा। हॉलीडे जो होता है हर इंसान के लाइफ का एक पार्ट होता है, हर इंसान के लाइफ का एक हॉलीडे, कहीं डेस्टिनेशन अच्छा हो, घूमने जाना है कोई ऐसा प्लेस। तो आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसा प्लेस था जहाँ डेस्टिनेशन, जहाँ आपने हॉलीडे के लिए प्लान किया हो, गए होंगे, बड़ी उम्मीदें के साथ जाते हैं, उम्मीदों के साथ लोग जाते हैं, बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ और क्यों, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ करा आपका? आप दोनों अपने अपने, गंदा एक्सपीरियंस उस सेंस में कि दोबारा कभी आप जाना नहीं चाहेंगे, वैसा सेंस। ऐसा तो नहीं हुआ है। हम पहले आई थिंक अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, वो हाँ पहले वो थोड़ा बेटर होगा। आई थिंक इसी शो पे मुझे जहाँ जाके बहुत, जहाँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हुआ है, मैं वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं फिर भी दो दो बोलूंगी। एक तो है हम्पी, मुझे हम्पी जाके इतना मजा आया वहां पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसा हर लड़की का ना वो होता है, एक सपना होता है कि मैं कभी किसी जन्म में प्रिंसेस रही होंगी या क्वीन रही होंगी। तो मुझे इतना आई वाज लिविंग माय प्रिंसेस डायरीज मोमेंट देयर। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं बस मैं ही कोई प्रिंसेस हूँ या मैं रानी हूँ, और मैं यहाँ कॉरिडोर्स में से जा रही हूँ और मेरी प्रजा, मेरे सब्जेक्ट मेरा वेट कर रहे हैं। तो यू नो मैनी एंड प्लस तो वो मुझे बहुत, एक मैं अलग ही जोन में थी और मुझे बहुत मजा आया वहां पे। एंड ऑल्सो कश्मीर, क्योंकि मैंने कभी स्नो देखी नहीं थी और मैंने फर्स्ट टाइम स्नो देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था हम लिटरली जन्नत में हैं। और कश्मीर का खाना, वहां पे हमने वाजवान खाया और वो इतना डिलिशियस था, और ओवरऑल जर्नी मतलब बहुत अच्छी रही। और इन जगहों पे तो मैं डेफिनेटली बार बार जाना चाहूंगी। Agreed. I would add, नहीं इसमें पहले हाँ सिमरन वो गंदा एक्सपीरियंस के बारे में भी बता दो आप। वो मेरा कोई रहा ही नहीं अभी तक। मैं वही सोच, अच्छा एक्सपीरियंस कहीं भी बहुत किसी भी चीज को गंदा तो लेके रहा ही नहीं अभी इंडिया तक, में भी तो हो कहीं सकता है, इंडिया के रहा। बाहर हो सकता है, नहीं हाँ जी, रहा क्या कह रहे हैं? इंडिया में, इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर कहीं का भी हो सकता है, नहीं यार अभी तक तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हम लोग अच्छी अच्छी सब बढ़िया कोई बढ़िया बात जगहों नहीं। पे अभी तक। अपार्टमेंट यार मैं बताता हूँ आपको मेरा गंदा एक्सपीरियंस क्यों नहीं रहा है लाइफ में, बिकॉज आपके साथ गलत चीजें हो सकती हैं कहीं पर भी, बट उसको आप ऐसे कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि आप उस जगह पे कभी नहीं जाओगे वापस। जैसे मेरे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं जिनके साथ कहीं कहीं इंसिडेंट्स हुए हैं कहीं पर भी, बट दैट डजेंट मीन कि एवरीबडी इन दैट प्लेस इज लाइक दैट, राइट? आप किसी भी जगह पे इग्नोर नहीं कर सकते कि लोग बहुत अच्छे लोग भी होते हैं और खराब लोग भी होते हैं। सो ऐसी कोई भी सिचुएशन भी जगह, मैटर करते, किसी के साथ क्या सिचुएशन हो सकता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ कहीं ना कहीं यू नो पॉकेट मारी होती है या कुछ कुछ होता है कहीं कहीं जगह पे, बट पर्सनली नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो उस पूरी सिटी की जगह गलती नहीं है, वो कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। तो इसलिए मेरे लिए कोई गंदा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, जहां जहां मैं आज तक गया हूँ कुछ सीखने को मिला है, बिकॉज आई रियली लाइक टॉकिंग टू द पीपल व्हेन यू मीट देम, सो आई रियली है। एंजॉय दैट प्रोसेस ऑफ टॉकिंग टू पीपल, रियलाइजिंग अबाउट देयर स्टोरीज। या सबकी लाइफ में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है जब वो खुल के आपको बताते हैं ना, स्ट्रेंजर से बात करना भी आसान होता है, मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी आप स्ट्रेंजर्स को अपनी जिंदगी के बारे में पूरा सब कुछ बता देते हैं, सो दैट इज एन एस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग दैट आई रियली एंजॉय। इस शो पे हम लोग पेंच नेशनल पार्क गए थे, जहां पे हमने 1-1.5 घंटे में एक सफारी पे हमने एक टाइग्रेस और उसके 4 कब्स देखे, सो दैट वॉज फॉर मी अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एंड ट्रूली ट्रूली लाइक अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस। मुझे लग रहा है मेरा अभी सफारी की तरफ ना दिमाग खुल गया और मैं जाना चाहता हूँ और सफारी इस पे। इस शो पे आप दोनों ऑन बोर्ड कैसे आए और रीजन क्या था हाँ बोलने का? सबसे पहला रीजन तो मैं ही बोल देता हूँ, घूमने को बहुत मिलेगा। बस सही रीजन बता दिया आपने, और इसके अलावा और क्या था हाँ बोलने के लिए? ऑन बोर्ड का प्रोसेस क्या था? सिमरन अच्छा मैं ही बोलती हूँ पहले। क्योंकि मैंने हमेशा, देखिए काम तो किया है लेकिन काम के चक्कर में ना, एटलीस्ट मैं अपने बारे में जो बता रही हूँ कि हम, मेरा ट्रैवल हमेशा रह जाता था
मतलब मैं हमेशा ही कंप्लेन करती होती थी कि मेरे को ट्रैवल करना है, मुझे पूरा इंडिया देखना है, मुझे काफी सारी जगहें देखनी है, मैं क्यों नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि हमेशा बिजी रहती थी। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, कभी ऐसा टाइम आएगा जब मैं ट्रैवल कर पाऊंगी। और आई थिंक ये शो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी थी जो मैं इतने सालों से बोल रही थी कि मुझे घूमना है, मुझे पूरा इंडिया देखना है। तो इस शो ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जिससे मैं इंडिया, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया की सबसे बेस्ट रिजॉर्ट्स मैं देख पाई। एंड ऑल्सो ये आई थिंक सबसे बढ़िया बात इंडिया बेस्ट रिजॉर्ट्स की है कि ये रोड ट्रिप प्लस लग्जूरियस स्टे है। तो मतलब हमारा रोड ट्रिप था तो हमने हमने रिजॉर्ट तो देखा ही, उसके आसपास की जगहें भी देखी, और रिजॉर्ट तो देखे लेकिन इतने सुंदर रिजॉर्ट्स जो मतलब हम लिटरली सपनों में ही सोच सकते हैं ऐसी जगहों पे जाना। वहां पे मैं गई, मैंने इतना ट्रैवल किया, और इतना ट्रैवल किया कि मेरे ख्याल से जो जो मेरी वो डिजायर थी ट्रैवल करने की कब से जो थी, वो मेरे ख्याल से भी काफी हद तक, मैं एकदम नहीं कहूंगी कि हाँ बिल्कुल पूरी हो चुकी है क्योंकि मुझे और ट्रैवल करना है, लेकिन काफी हद तक वो फुलफिल हो चुकी है डिजायर, क्योंकि मुझे इतना मजा आया है इस ओवरऑल ट्रिप पर। तो हाँ, मेरा वो हमेशा से पॉइंट तो था कि मुझे ट्रैवल करना है, और इस शो ने मुझे वो दिया। एंड ऑल्सो इस शो में मेरे ख्याल से पूरी जर्नी में मैंने अपने आप को भी समझा, मैंने अपने आप को जाना, क्योंकि जब तक आप, क्योंकि ट्रैवलिंग एक थेरेपी होती है, जब आप उस पे जाते हैं, आप उस जर्नी पे जाते हैं, आप जगह भी देख रहे होते हैं बाहर से, और आप अपने आप जो आपके अंदर आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उसको भी आप समझते हैं। आप मेरे ख्याल से अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने वो इंट्रोस्पेक्ट किया और मुझे मेरे बारे में और भी बहुत सारी चीजें पता चली इस शो पे। क्या बात है हरमन, सिमरन, सिमरन जी के आंसर इतने तगड़े हैं ना, उसके बाद मेरे को समझ अरे, और लगनी का इंस्टेंट आया, लग रहा था जैसे पहले से प्लान था, स्क्रिप्टेड क्वेश्चन था, और मैंने बताया था क्या इसका बोलूंगा आंसर देना। कि अपने नहीं, आप ऐसा को कुछ भी पहचान रही हूं नहीं मैं, जब मैं ट्रैवल है। करती हूँ तो अपने आप को पहचानती हूँ। वेरी नाइस। हाँ, मैं सुनना। सवाल क्या था भाई, साहब शो पे कैसे आए थे? हम शो पे आए थे मेरे लिए, आई थिंक व्हेन पीपल डू ट्रैवल शोज एंड ऑल, आई एम ऑलवेज इन दैट लिस्ट ऑफ यार ये एक ऑप्शन है, बिकॉज मैंने कुछ ट्रैवल शोज किए हैं पहले। बट मैंने जी सेस के साथ पिछले साल एक एपिसोड भी किया था, इंडियन सफारी करके शो है जो रणविजय मेरे बड़े भाई होस्ट कर रहे थे। तो आई थिंक उसमें उन्हें एक सेंस ऑफ कमराडरी हम दोनों के बीच अच्छी लगी, उनको शायद लगा कि प्रेजेंस है। टू गेट अवर ओन शो फॉर मी ऑन जीसस वाज द बिगेस्ट थिंग। और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैंने बहुत अलग कैपेसिटी में लाइफ में काम किया है 10-15 साल पहले, जो अभी जीसस में प्रोडक्शन में है, चैनल के हेड है, तो उनको कहीं ना कहीं मेरा नेचर पता है। दे थॉट आई वाज काइंड ऑफ फिटिंग इनटू दिस रोल। रणविजय के बारे में आप बता रहे थे, वो एक सक्सेसफुल एक्टर होस्ट बन चुके हैं, आप भी उसी कगार पे हैं, चल रहे हैं। उनकी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, आप अपने अंदर लेना चाहते हैं, उनकी कोई ऐसी चीज है? बहुत सारी यार, बहुत सारी। एक्चुअली लोग सोचते हैं कि एक्टर्स हमेशा कंपटीशन के बारे में सोचते हैं, मेरा जितना कंपटीशन है मेरे घर के अंदर ही है। मेरे डैड, मॉम और रणविजय को अगर तुम देख लोगे तो सब अचीवर्स हैं, सब परफॉर्मर्स हैं। और रणविजय आई थिंक उनसे ज्यादा एक बहुत अच्छी क्वालिटी है उनमें, ही केयर्स अबाउट पीपल विदाउट वॉन्टिंग समथिंग फ्रॉम देम। मतलब सेल्फलेसनेस जो होती है वो मैंने रणविजय से काफी हद तक सीखी है। ही जस्ट डज थिंग्स फॉर पीपल बिकॉज इट मेक्स हिम फील गुड, बट नॉट बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग बैक। तो अगर आप कभी भी एक छोटी सी चीज, किसी को फोन भी कर लो, अगर उनके घर में कुछ दुविधा चल रही है, किसी के कुछ बातें सुन लो, अगर किसी का कुछ लॉस हुआ है, ये चीजें ज्यादा मैटर करती है जिंदगी में देन बींग इन एवरीबडीज हैप्पी मोमेंट्स। सो आई हैव वी बोथ हैव दिस थिंग कि अगर कोई टफ टाइम से जा रहे हैं तो वी शुड बी देयर फॉर देम एट दैट मोमेंट, इवन इफ वी नॉट देयर ऑन देयर बर्थडे और वेन सम सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन। दिस इज समथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम रणविजय। सिमरन, आपने काफी सारे कार्टून कार्टून शोज में अपने वॉइस दिए हुए हैं, कोई ऐसा है वॉइस जो लेजेंडरी आपको, शोज, मतलब कौन सा? लेजेंड अरे है सिमरन, लेजेंड है भाई, लेजेंड इज कौन सा? अरे अरे क्यों मेरी आप टांग इंस्पायर खींच होते होंगे सिमरन जी से, भी होते होंगे 100%। रहे? नहीं, मैं इंस्पायर होती नहीं, हरमन हूँ। से पूछ रहा हूँ मैं, हरमन जी भी इंस्पायर होते होंगे सिमरन जी से। यार एब्सोल्युटली, सिमरन इज नहीं, वेरी 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 हार्ड वर्किंग। यू हैव टू सी शी इज नॉन स्टॉप। आजकल की जो नीड है टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, टू ऑलवेज बी एनर्जेटिक, ऑलवेज बी ऑन पॉइंट, सो सिमरन से मैंने बहुत सीखा। हर क्रेजी एनर्जी एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड टू मी ऑल्सो एज द शो इज गोइंग ऑन।
No, actually, it should be the other way around. I have learned so much from Harman. इनका ना जब एक अलग लेंस से हर चीज को देखते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोग सामने एक कोई भी चीज है हम उसको नॉर्मल लेंस से देखते हैं, लेकिन इनका ना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, एक अलग लेंस होता है, और बहुत ही बढ़िया चीज होती है. तो मुझे वो समझने में मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं इनकी लेंस से, इनके पर्सपेक्टिव से चीजों को देख पाई और समझ पाई. और जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, इनके पास मतलब ये ना लिटरली ये इंसाइक्लोपीडिया है, इनके पास इतनी नॉलेज है हर चीज की. मेरे पास तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती थी. लेंस की बार बार बात की, लोग पीछे पड़ जाएंगे, इनको लेंस कौन सा है बताओ भाई. वो तो हरमन ही बताएंगे आपको. मेरा मतलब वो लेंस इसलिए बनता है जब आपके पास बहुत सारी नॉलेज होती है ना चीजों की, जब तो उस नॉलेज से वो लेंस बनती है और वो पर्सपेक्टिव आता है. तो मेरे ख्याल से मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा पूरी जर्नी में. आपने बहुत सारे कार्टून नेटवर्क में अपनी वॉइस दी है, कोई ऐसी वॉइस जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया और आप खुद से भी रिलेट करते कि ये कार्टून मतलब कैरेक्टर में खुद हो सकती है, मतलब खुद से रिलेट करते हैं आप उसको? आप जिनकी आवाज मैंने दी है उन कार्टून में से मैं सबसे ज्यादा किससे रिलेट करती हूँ? मैं नोबिता से रिलेट करती हूँ सबसे ज्यादा. तो मैंने नोबिता की आवाज दी है और सबसे ज्यादा मैं नोबिता से रिलेट करती हूँ, क्योंकि ना उसका दिल बहुत प्यारा है. मेरे ख्याल से वो शैतानी करता है, वो थोड़ी बहुत तंग वंग करता है लोगों को, डोरेमोन से बार बार गैजेट मांगता है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है मुझे ऐसा लगता है. तो वो फिर मुझे फिर इसलिए नोबिता से सबसे ज्यादा कनेक्ट करती हूँ मैं. हरमन, आपने मर्चेंट नेवी में भी जॉब किया, हमने स्टडी किया था, सही बात है? नहीं बिल्कुल सही. हाँ, तो उस वक्त की कोई यादें आप अभी भी मिस करते हैं, कोई उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, मर्चेंट नेवी वाला जॉब प्रोफेशन के बारे में. यार यादें तो बहुत इंटेंस ही थी, बहुत मेहनत का काम है, 3 साल मैंने किया था वहां पे. बट समुन्द्र के बीच में ना एक बड़ा अलग सा सुकून होता है जब आपके 5-10 मिनट होते हैं उस जॉब में, तो आप बस खड़े खड़े सनसेट सनराइज जब देखते हो समुन्द्र की तरफ. दैट हैज स्टेड विद मी ऑन दिस शो ऑल्सो. व्हेन यू सी ना, जब भी बीच पे या समुन्द्र के आसपास हम थे तो मैं ऑटोमेटिकली बड़ा खुश हो जाता हूँ, मेरे को देखने में बड़ा मजा आता है. इसलिए बॉम्बे में भी मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि समुन्द्र दिखता है कभी कभी घर से या कभी कभी किसी और के घर से. सिमरन, आगे का कुछ पॉइंट, कोई ऐसा शो या कोई ऐसा कैरेक्टर, क्योंकि आप रोज मूवीज वेब सीरीज हर चीज देखते होंगे, कोई ऐसा किरदार है जो आपको लगता है कि मुझे लाइफ में करना है या तलाश है, अभी तक मिल नहीं रहा है मुझे वैसा किरदार? नहीं, मैं आगे जाके खूब सारा काम करना चाहती हूँ, मुझे वेब शोज करने हैं. मुझे किरदार की बात कर रहा हूँ, ऐसा किरदार कैरेक्टर. अच्छा, जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है किसी मूवी कैरेक्टर में से? हाँ, कोई ऐसा नहीं. हाँ, कोई भी जब भी मैट के गीत बहुत पसंद है, तो मेरे ख्याल से जैसे ही मुझे जब भी मैट के गीत का कैरेक्टर मिल जाएगा, मैं उसी वक्त उस कैरेक्टर को करना चाहूंगी, क्योंकि मैं उसे बहुत 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 रिलेट करती हूँ. और हाँ, मुझे वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, तो मुझे वो 100% करना है. एंड ऑल्सो मुझे, मैंने इस ट्रिप पे रियलाइज किया, क्योंकि इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट्स करते हुए, क्योंकि हमारे इतने सारे ना ये जवानी है दीवानी वाले मोमेंट्स थे हमारे, तो मेरे जैसे ये जवानी है दीवानी में दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर था नैना वाला, तो मेरे ख्याल से मैं भी थोड़ा 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 वैसा कैरेक्टर बनती जा रही थी, तो मुझे वो कैरेक्टर भी करना है. इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट्स ने मुझे वो कैरेक्टर करने के लिए इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है. तो अगर मतलब मेरे पास ऐसा कैरेक्टर आ जाएगा ये जवानी है दीवानी का, मैं 100% करूंगी ऐसा कैरेक्टर. नाइस नाइस, मिलेगा जरूर. नैना अगर आप बनते हैं तो अपोजिट किसको एक्सपेक्ट करते हैं आप? हरमन बनेंगे रणबीर कपूर कैरेक्टर. अरे अरे, नाउ यू जस्ट बीइंग नाइस. व्हाट इज द एक्चुअल नेम दैट यू वांट टू टेक? अगर आप बताइए. मेरे को तो बहुत कुछ करना है, बहुत ज्यादा एम्बिशन है. बहुत कुछ में से ही कुछ निकाल के बताओ यार. मैंने कुछ कुछ पार्ट किए हैं, जो जैसे एक एयरफोर्स का शो मैंने अभी किया था हॉटस्टार के लिए, उसमें मेरे को चस्का चढ़ गया कि यार यूनिफॉर्म में कुछ ना कुछ करना है. सो एक बायोपिक या some great war epic,
वो मेरे ड्रीम है क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, हमें वो थोड़ा ऑब्सेशन है अबाउट दैट काइंड ऑफ यू नो पावरफुल हीरोइक स्टोरी, दैट इज डेफिनेटली ऑन माय लिस्ट। आप दोनों को साथ में जो काम किया आपने, कोई ऐसी चीजें जो आप लोग पहले से एक दूसरे को कितना जानते थे बिल्कुल भी इस शो नहीं, से पहले? एक इवेंट पे एक बार मिले थे तो हमारे लिए एकदम न्यू थी ये फ्रेंडशिप। कैसा रहा बॉन्डिंग सेट पे, और अभी क्या, जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे और अभी का बॉन्डिंग क्या है? थिंक बहुत ही अच्छा रहा। यू सी एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर कंप्लीट स्ट्रेंजर्स एंड यू आर ऑन अ रोड जर्नी, आपको बेसिक अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप अनप्रेडिक्टेबल चीजें डील करने के लिए रेडी रहें तो फिर बहुत मजा आ सकता है। सो इनिशियली हम लोग काफी फॉर्मल थे एक दूसरे के साथ कि यू नो आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, आप सोए अच्छी तरह से, आप अच्छी तरह सोए, यू नो दोस पोलाइट थिंग्स टू, लाइक एक दूसरे की टांग खींचने लग पड़े फिर 4-5 दिनों में, लाइक सिमरन लेट्स गो लेट्स शॉट इज रेडी एट सिमरन आसो जी हरमन नाउ आई एम डूइंग व्हाट यू डू यू नो एक्साइटिंग एडवेंचर थिंग्स। सो हमारा बहुत सही तालमेल रहा, बीच में एक रोल रिवर्सल भी हुआ है जो बहुत मजेदार है। एंड आप सिमरन चीजें फ्रैंक हुए फॉर्मल रहे क्या? ऑल्सो हमने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, मतलब एकदम अलग अलग एक्सपीरियंस। जैसे हमने वाटर स्पोर्ट्स इकट्ठे किया, तो इसमें ऐसा था कि हमारी ना दोनों की पर्सनालिटी निकल के आती थी। जैसे मुझे डर लगता पानी से, हरमन एकदम एडवेंचरस है, ठीक है, एकदम वाटर बेबी है, तो उन्होंने मुझे वो सिखाया। फिर एक ऐसा था जहां हम सू शेफ्स थे, कुकिंग भी मतलब मेरा मुझे थोड़ी बहुत आती थी, और दोनों को ये नहीं तो आते, एकदम एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है। बिल्कुल तो हमारे ऐसे इतने, पता है, एक एक ऐसा होता है कि कभी कभी ना दोस्ती, आपको जरूरी नहीं है कि आप एक जगह पे बैठे और आप पूछें कि अच्छा आपकी लाइफ में क्या हुआ, आप अभी क्या कर रहे हैं, आप आपके आगे का प्लान। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे बातचीत करें और आप एक दूसरे से दोस्ती कर लें। कभी कभी ना ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि आपको सामने वाले के बारे में वैसे ही पता चल जाता है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है, उनके नेचर के बारे में पता चल जाता है। तो इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट ने हमें इतने अलग 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 एक्सपीरियंसेस करवाए हैं जो और ऐसे एक्सपीरियंस मैं एकदम अपने दोस्त, ऐसा होता है ना कि आपको ऐसे एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स के साथ, कि अरे यार हम लोग पहाड़ चढ़ेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ चढ़ेंगे, या वाटर स्पोर्ट्स करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे। तो वो दैट फ्रेंड, दैट कंपेनियन आई सॉ इन हरमन। और हमारी दोस्ती मेरे ख्याल से ये एक्सपीरियंसेस कर करके, अलग अलग रिजॉर्ट्स घूम घूम के दोस्ती बहुत गहरी होती गई। अग्रीड। ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप दोनों? ऑडियंस के लिए क्या नया होने वाला है अभी तक के शो से? क्या हटके ऑडियंस के लिए एक्सपीरियंस मिलेगा इस शो से? ऑडियंस के लिए मैसेज आप दोनों का? आई थिंक ऑडियंस के लिए एक ही मैसेज है, द टाइटल सेज इट ऑल यार। मेरे को टाइटल इस शो का सबसे बेस्ट लगता है बिकॉज इट सेज व्हाट इट एग्जैक्टली इज, इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट्स। एंड आई कैन टेल यू ऐसे रिजॉर्ट्स शायद आपने नहीं एक्सपेक्ट किए होंगे, इतने सुंदर हैं, इतने अलग हैं, सब में एक कहानी है, सब में एक स्पेशलिटी है, कोई भी एक जैसा नहीं है, कोई दो रिजॉर्ट एक जैसे नहीं है। तो जिसको सुंदर रिजॉर्ट देखने वो शो देखेंगे पक्का, मुझे तो पूरा यकीन है। सिमरन आप अपने मैं फैंस भी के, कहना चाहती हूँ, ये मेरे लिए तो एकदम ये ड्रीम वेकेशन थी, और जो भी देखेंगे उनके लिए विजुअल ट्रीट होगी, उनको बहुत मजा आने वाला है। मतलब एक होता है ना कि आप आराम से अपने ऑफिस जाते हैं, थक के घर आएंगे, और आपको एक अच्छा सा कुछ अपने कुछ सूदिंग आपको देखना होता है कि देखकर एकदम मजा आ जाए, तो वो इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट्स है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आपको जो जगहें हैं वो सुंदर होंगी, एक्सपीरियंसेस एकदम नए होंगे, ऐसी जगहें आप देखेंगे जो आपने पहले कभी देखी नहीं है। तो ये एकदम यूनिक एक्सक्लूसिव जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इंडियाज बेस्ट रिजॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। और मेरे ख्याल से अगर कोई एकदम थका हुआ इंसान, अगर मतलब एकदम टायर्ड, वो इस शो को देख भी लेगा ना, वो एकदम रिजुवनेट हो जाएगा, रीएनर्जाइज हो जाएगा, रीवायर हो जाएगा, और उसको इतना मजा आएगा कि 100%, मतलब आई कैन वाउच फॉर दिस फैक्ट, कि वो सोचेंगे कि यार इन इन जगहों पर तो जाना ही जाना है। तो मेरे ख्याल से 100% लोग अपना ट्रिप्स प्लान करने वाले हैं ये शो देखने के बाद, और उनको बहुत मजा आने वाला है। शो के लिए आप थैंक दोनों यू को बहुत बहुत राहुल, शुभकामनाएं, थैंक ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बाय, यू टेक केयर, ऑल द थैंक बेस्ट, यू, थैंक यू राहुल, थैंक वेलकम, यू हरमन, थैंक यू वेलकम। सिमरन, थैंक यू।